शाबाश। जो है अश्विन लक्ष्मी का जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम या फिर खेलो इंडिया विंटर गेम्स, हर एक जगह पर हम लोगों को आना, खिलाड़ियों को साथ खड़ा रहना, ये ही मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है इसका सपना पूरा करने में छोटा सा योगदान हो सकता है। और इसलिए चाहे मौसम जैसा हो, जैसा भी हो, चाहे क्षेत्र जैसा भी हो, चाहे राज्य जैसा भी हो, हम लोग वहाँ पर जाते हैं और खिलाड़ियों को साथ। तमाम वहाँ भी जो खेलों के प्रति उत्साह है, जब तक आप देखोगे नहीं तो आप यकीन नहीं कर सकते दिल्ली बॉम्बे में बैठे बैठे कि खेल विंटर गेम्स कितने पॉपुलर है यहाँ के लोगों के बीच। देखिए देश की माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर सम्मान और प्रेम है तो देश की प्यार है। और आप लोग शायद इसका आप लोगों ने देख चुका है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हो जिसमें भारत के प्रतिनिधि दल जाने वाले, तो माननीय प्रधानमंत्री जी हर एक के साथ फिजिकली बात करते हैं या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करते हैं। और वो लोग वहाँ पर जाने के बाद भी हर वक्त संपर्क में रहते हैं और उन लोगों का छोटा से छोटा विषय की ध्यान भी माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं। और जब मेडल जीत कर आते हैं, भारत की तिरंगा ध्वज को विदेश की मिट्टी में भी लहरा कर आते हैं, आने के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी उन सभी खिलाड़ियों को सम्मान भी देते हैं और अपने घर बुलाकर, अपने निवास पर बुलाकर उन लोगों को अपने हाथों से सम्मानित करते हैं। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनका सोच। तो देश की मुखिया की सोच अगर ऐसी होगी तो हम जो उनका पीछे उनका परिवार से उनका मार्गदर्शन में चलने वाले लोग हैं तो हम लोगों का सोच भी धीरे धीरे ऐसे ही बदलेगा। बिल्कुल, और चाहे वो लाल किले से 15 अगस्त के दिन पैरालंपिक खिलाड़ियों की तारीफ करना, हमारे खिलाड़ियों की तारीफ करना, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। सम्मान की बात अब खिलाड़ी बनना हो गया है। और शिवा केशवन जो कि 6 बार ओलंपिक्स में भारत को विंटर ओलंपिक्स में नुमाइंदगी कर चुके हैं, वो हम भी देख रहे हैं कि खिलाड़ियों के बीच है, तो इससे जो नॉर्मल खिलाड़ी है 17-18-20 साल को कितना मोटिवेट हो रहा है कि उनके बीच एक ओलंपियन को भारत सरकार ने भेजा। देखिए पहली बात तो ये है कि खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हो रहा है और बहुत सारा फॉरेनर्स भी इस विंटर स्पोर्ट्स में एंजॉय करने के लिए आए हैं कि हमारे देश का जो ये ऐसा माहौल बना है बदलती हुई भारत में, वो लोग भी जो अपना खुशी ढूंढने के लिए आए हैं, तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा विषय है क्योंकि हमारे देश बदल रहा है और पूरा विश्व जो है भारत की ओर जो है बहुत ही गहराई के साथ सोच भी रही है और देख भी रही है और यहाँ पर आना भी चाहते हैं क्योंकि पिछले हम लोगों ने देखा कि G20 बैठक में पूरा देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी हुआ, श्रीनगर में भी हुआ, यहाँ पर पूरा देश पूरा विश्व का प्रतिनिधि है विश्वभर का यहाँ पर आया और बहुत अच्छा जो है माहौल यहाँ पर वो देखे गया। और उसके बाद एक के बाद एक विंटर स्पोर्ट्स यहाँ पर हुआ, इस बार चौथा एडिशन हो रहा है, तो हर बार जो है पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस बार जिस भव्यता के साथ विंटर स्पोर्ट्स हो रहा है, मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि ये जो है विंटर स्पोर्ट्स और जो है गुलमार्ग के लिए एक इतिहास बनने जा रहा है और आगे जाके भी इससे भी बड़ी पैमाने में हम लोग यहाँ पर स्पोर्ट्स सेक्टर में डेवलप करने की प्रयास करेंगे और बड़ा इवेंट करने का प्रयास करेंगे। ओलंपिक्स भारत में कब आ सकता है, क्योंकि सब आस भरी नजरों से आपको और मोदी जी की तरफ देख रहे हैं कि ये देश में ओलंपिक्स या कुछ बड़ा गेम ला के हमें विश्व स्तर पर ला सकते हैं। देखिए बहुत जल्द आने का संभावना है और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत है, जिस लेवल की जो इंफ्रा की जरूरत है, पूरी तरह से हमारे देश ओलंपिक की मेहमान नवाजी करने के लिए होस्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभी ये ओलंपिक महासंघ जो होता है वो तय करते हैं हर 4 साल के बाद कहाँ पर होगा, ये ओलंपिक महासंघ तय करते हैं। तो लेकिन लेकिन मजे